अब ये तो आप सभी को पता होगा ही कि मार्वल के फेज 5 की अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज आर्मर वॉर्स को मूवी प्रोजेक्ट में बदल दिया गया है। लेकिन रिसेंटली इसी प्रोजेक्ट के अंदर से बहुत ज्यादा हैवी रूमर्स आ रहे हैं कि हमें इस मूवी के अंदर अल्ट्रॉन का रिटर्न देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ RDJSNAI भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिर क्या था, मैंने इसी टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च करी और 2-3 थ्योरीज बनाई कि कैसे टोनी स्टार्क को ऐसा AI दिखा सकते हैं। एंड हाँ, अपन अल्ट्रॉन रिटर्न पे भी बात करेंगे, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, जल्दी वो वाली वीडियो आ जाएगी। तो देखो, थ्योरीज का सिलसिला स्टार्ट हो उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि क्या टोनी स्टार्क को MCU के अंदर दिखाना सही होगा, क्या पॉसिबल है ऐसा करना। तो देखो, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी राइटर्स के ऊपर, लेकिन अगर अपन कॉमिक बुक से रेफरेंस ले तो टोनी स्टार्क को बहुत बार एज एन AI दिखाया जा चुका है। कॉमिक्स ही नहीं बल्कि हमें बहुत सारे गेम्स एंड एनिमेटेड शोज में भी टोनी स्टार्क एज एन AI दिख चुका है, तो MCU में इस चीज को अडॉप्ट करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं इन सब के साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने एक ऐसे ही सिमिलर करेक्टर को ऑलरेडी MCU में देख रखा है, जहां आर्निम ज़ोला फर्स्ट एवेंजर के अंदर हमें एज एन साइंटिस्ट दिखते हैं एंड फिर उसके बाद वो खुद को एक AI में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें विंटर सोल्जर मूवी के अंदर देखने को मिला था। तो इस सेंस में देखें तो टोनी स्टार्क को भी एज एन AI दिखाने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनटिल एंड अनलेस कोई राइटर लोचा ना करे। पहले पॉसिबिलिटी की बात करें तो टोनी स्टार्क एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाला बंदा है, जो कि हमने थ्रू आउट द MCU देखा है। टोनी स्टार्क अपनी पुरानी गलतियों से सीख के अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करता है और अपना ही बेटर वर्जन बन के निकल के आता है। इवन उसे ये भी पता था कि एंड गेम में शायद उसकी डेथ हो जाएगी, जिस वजह से उसने अपने फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया और साथ ही साथ पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एड्स जैसा प्रोग्राम बनाया और उसके लिए काबिल यूजर स्पाइडरमैन को भी चुना। तो ऐसे में टोनी स्टार्क को एज एन AI दिखाना और भी ज्यादा सेंस बनाता है कि भाई कैरेक्टर ही उसका इतना फ्यूचरिस्टिक था कि उसने अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी थी और खुद को एक AI प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो हो सकता है मॉर्गन स्टार्क, जो कि टोनी स्टार्क की सक्सेसर है यानी कि उसकी बेटी है, हो सकता है कि वो भी टोनी के जैसे ही जीनियस लेवल इंटेलेक्ट रखती हो, मतलब कि एक काफी जीनियस पर्सन हो। इवन एंड गेम में भी हमने देखा था कि मॉर्गन स्टार्क को टोनी स्टार्क के आर्मर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इवन वो उसके गैराज में खेलने भी जाती है। एंड इवन एंड गेम में हमने ये भी देखा था कि टोनी जब टाइम मशीन बना रहा होता है तो मॉर्गन वहां भी पहुंच जाती है, तो शायद मॉर्गन भी टोनी की तरह एक जीनियस हो एंड वो भी एक AI बनाए और उसका नाम रखे टोनी स्टार्क। एंड जैसे टोनी स्टार्क ने एक AI बनाया था जार्विस, उसके पास खुद की फीलिंग्स भी थी, वो खुद सोच सकता था, इवन टोनी की हेल्प भी करता था बिना टोनी के कहे, तो शायद से ऐसा ही कोई सिमिलर AI मॉर्गन स्टार्क भी बनाए और उसका नाम रख दे टोनी स्टार्क, जिसका रेसेम्बलेंस भी उसके फादर की तरह होगा यानी कि टोनी स्टार्क की तरह, और इसी तरह से अल्टीमेटली हमें टोनी स्टार्क एज एन AI MCU के अंदर देखने को मिल जाएगा। इन सब के अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टोनी स्टार्क की मार्क 51 से लेके मार्क 84 तक के आर्मर्स कहां है, टोनी के फ्यूचर प्लान्स क्या थे उन आर्मर्स को लेके, एंड टोनी ने पर्टिकुलरली मार्क 85 ही नाम क्यों रखा उस आर्मर का। तो हो सकता है उसका कोई बिगर प्लान अभी भी रिवील होना बाकी हो। एंड यहीं पर अगर मैं अपनी थ्योरी को और भी ज्यादा वाइल्ड करना चाहूं तो भाई टोनी स्टार्क ही एटर्निटी है। हाँ, कॉमिक बुक की एक स्टोरी लाइन के अंदर हमें ये बताया गया था कि टोनी स्टार्क ही एक्चुअल में एटर्निटी है, तो उस तरीके से भी टोनी को वापस MCU में लाया जा सकता है। देखा जाए तो मार्वल के पास कोई भी ऐसा रीजन या कोई भी ऐसा प्लॉट होल नहीं है जिसकी वजह से वो टोनी को MCU में ना लाएं। इवन अगर वो टोनी को MCU में लाते हैं तो उनके लिए चारों तरफ से विन विन सिचुएशन है। पहली बार तो वॉर मशीन की आर्मर वॉर्स एक सुपर हिट मूवी बन के आएगी, जो कि शायद फेज 5 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग मूवी बने, क्योंकि सोचो भाई RDJ का रिटर्न होगा उसमें, फैंस पागल हैं RDJ के लिए, क्या तुम नहीं चाहोगे RDJ को देखना टोनी स्टार्क के रूप में वापस से MCU के अंदर। कंक्लूड करके बताऊं तो टोनी स्टार्क यानी कि RDJ एक्चुअली में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ATM था, एंड उस बंदे के कैमियो के वजह से पूरी की पूरी मूवी हिट हो जाया करती थी, एंड शायद ओरिजिनल एवेंजर्स और ओरिजिनल कैरेक्टर्स के ना होने की वजह से ही फेज 4 इतना ज्यादा सफर कर रहा है। खैर, फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा, उस मूवी का प्लॉट क्या होगा, क्या हमें टोनी स्टार्क देखने को मिलेगा, ये सब तो राइटर्स और केविन भैया के ऊपर है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है टोनी स्टार्क के रिटर्न को लेके, तुम कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं पढ़ना चाहूंगा। एंड साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो, थ्योरी और पॉसिबिलिटीज अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड ऐसा ही अमेजिंग वीडियोस और सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। क्या इटर्निटी टोनी स्टार्क को वापस ला सकती है, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखना, एंड कुछ भी रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।